अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका पूरा नाम? मोहम्मद जहूर। तो स्कूल का नाम? पैराडाइज क्रिएटिव स्कूल सिस्टम। तो कितना अच्छा हो गया मेरे भाई स्कूल को? स्कूल को मुझे ओपन किए हुए 25 ईयर्स हो चुके हैं। तो बच्चों के वालदैन को शऊर है, अवेयरनेस है यहाँ पे? बस यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा एरिया है कि यहाँ पर बहुत कम लोगों को ऐसा है कि वो एजुकेशन के बारे में इतना यानी कि उनको शऊर नहीं है, लेकिन है कि हम फिर भी कोशिश करते हैं कि अपने तौर पर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर यानी कि क्लास वर्क होमवर्क दोनों। मैं टीचर को ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आप वालदैन पर डिपेंड ना करें, हम फुली खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, पेरेंट्स की भी लें स्कूल की भी, दोनों जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं इसमें। तो स्टाफ कितना आपके पास? कम से कम स्टाफ की तालीम आप? मेरे पास स्टाफ जो है वो 25 मेंबर्स हैं और माशाल्लाह है कि ग्रेजुएशन से कम कोई नहीं है इनमें। और स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ स्कूल की 500 है मेरे पास। अच्छा जी। तो मुस्तहिक बच्चे भी होंगे इसमें? सर काफ़ी बच्चे हैं, बल्कि इसमें मुस्तहिक हैं, डिज़र्विंग है, तो उनकी मैं यानी कि फ़ीस में डिस्काउंट भी करता हूँ काफ़ी हद तक। और वैसे भी जो फ़ीस है मेरी वो बिल्कुल रीज़नेबल है, नॉर्मल सी फ़ीस रखी हुई है इस एरिया के लिहाज से, ताकि उसमें हर वो बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको भी मैं अकोमोडेट कर लेता हूँ वो। अच्छा मेरे भाई, ये बताएं कि हुकूमत तावन कर रही है प्राइवेट स्कूलों के साथ क्या? नहीं, हुकूमत का किसी किस्म का कोई तावन नहीं है, क्योंकि देखें कोई जो प्राइवेट सेक्टर के साथ मीटिंग्स होती है गवर्नमेंट की, बल्कि सिर्फ एलीट स्कूलों को ऑनर्स को बुलाया जाता है, मालकान को बुलाया जाता है, प्रिंसिपल को, लेकिन जो जैसे हमारे स्कूल हैं ऐसे जो इन लो एरियाज़ में हैं, टाउनशिप है, ग्रीन टाउन है, या और भी बहुत से एरियाज़ हैं लाहौर में या और भी शहरों में देहातों में हैं, उनके किसी नुमाइंदा को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि मसाइल हमारे हैं, उनके तो कोई मसाइल नहीं है, उनका अपना बजट माशाल्लाह इतना है। जैसे अब कोविड-19 के दौरान उन्हें फुल फीस मिलती रही है, लेकिन जो हमारे जैसे जितने भी स्कूल्स हैं उन सबको पेरेंट्स ने फीस बिल्कुल ही नहीं पे की। तो और उसके अलावा जो हमारे बल्कि जब जैसे आम दिनों में भी महीनों में या जैसे एक वर्किंग डे स्कूल ओपन हुआ है उसमें भी बहुत ही कम लोग पे कर रहे हैं, क्योंकि उनके हालात ठीक नहीं है, कोविड-19 की वजह से उनके बिजनेस जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, किसी की जॉब डिस्टर्ब हुई है, तो हमें उसमें भी प्रॉब्लम है। अब जो ये मंथली अब करंटली चल रहे हैं इनमें भी हमारी जो रिकवरी है वो बिल्कुल नहीं हो रही। तो मेरी गवर्नमेंट से बल्कि अपील है कि आप प्लीज़ ये जो स्कूल हैं जो जैसे हमारे जो कम फीस ले रहे हैं इनके साथ भरपूर तावन किया जाए, इनके कम से कम जो लोन है वो इसके लिए उसका अनाउंसमेंट की जाए, या हमें अभी रजिस्ट्रेशन के जो मसाइल हो गए हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ये ईयरली इन्होंने कर दिया कि सालाना रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो हमारे वसाइल इतने नहीं है कि हम हर साल जो है उसकी रिन्यूअल फ़ीस पे कर सकें, तो प्लीज़ हमारे साथ ये खसूसी शफकत की जाए। हमारी ये जो रजिस्ट्रेशन है ये जैसे पहले था उसी को बहाल रखा जाए, यानी कि 5 ईयर्स और 10 ईयर्स की रजिस्ट्रेशन थी, तो प्लीज़ हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर साल हम रजिस्ट्रेशन करवा सकें। बच्चों के वालदैन को कोई पैगाम दें मेरे भाई? बच्चों के वालदैन से मेरा यही पैगाम है कि प्लीज़ आप लोग हमें यानी कि फ़ी में इतना कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन कम अज़ कम जो मैं इस एरिया में 25 ईयर्स से हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कम अज़ कम मुझे वो दुआएँ तो मिल सकें कि मैं जो बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इन अच्छे शहरी बनकर यहाँ से बनकर निकलें, और कम अज़ कम मेरे साथ ये तआमुन करें कि कम अज़ कम उनकी रिपोर्ट ज़रूर लें, क्योंकि वालदैन को कॉल करते हैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए तो अक्सर वालदैन आते ही नहीं हैं, आम रिपोर्ट के लिए बुलाते हैं, किसी भी मसाइल के पेरेंट्स बिल्कुल नहीं आते, तआमुन नहीं करते। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को, यही आपका है कि सरमाया है, यही प्रॉपर्टी आपकी फ्यूचर की है, तो इनको आप ऐसे ही लें जैसे हम अपने बिजनेस अपने कामों को लेते हैं। तो ये बच्चों को प्लीज़ आप लोग स्कूल लाजमी हैं, हमारे से आकर मीटिंग करें, मसाइल पूछें, इंशाल्लाह ताला जो मेरी सारा दिन यही कोशिश होती है कि मैं इंडिविजुअली तौर पर हर बच्चे को देखता हूँ खुद, और ख़ुद बल्कि प्रिंसिपल या ऑनर्स काम हूँ, एज ए टीचर में ज़्यादा काम करता हूँ। जी शुक्रिया जी। शेख मोहम्मद नवाज़, एक्सप्रेस टाइम न्यूज़, लाहौर। والليل دجاج يوم وفرح
शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से अल्लाहु 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 شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر बोल उठे और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगुष्ट के एक इशारे से अल्लाह